हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब और आप सबकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आप सबकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी फ्रेंड्स। और आज की वीडियो है बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर यूपी टीजीटी इंग्लिश के लिए बेस्ट स्ट्रेटजी वीडियो है। फुल जो डिटेल है आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और ये वीडियो हाउसवाइफ्स के लिए है जिनको कि कम समय मिलता है और बहुत ही एक सटीक स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है, क्योंकि कम समय जिसको मिलता है वो एक सटीक स्ट्रेटजी अगर फॉलो करेंगे, कम समय देकर भी किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। वैसे कोई भी इसको फॉलो कर सकता है, लेकिन ये एक डिमांडेड वीडियो है जो कि काफ़ी दिनों से डिमांड आ रही थी कि आप एक स्ट्रेटजी वीडियो लाइए पूरी डिटेल्स के साथ, पूरे सिलेबस बुक्स वगैरह सारी डिटेल्स हमको चाहिए। तो ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी और काफ़ी लोगों ने उस वीडियो को देखा भी था, बहुत सारे लोगों को उससे हेल्प भी मिली थी। फिर से बना रही हूँ क्योंकि कुछ चेंजेस हुए हैं एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और चीज़ें इसमें ऐड हुई हैं। 2021 के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने इसमें ऐड किया था पहले भी, जो टीजीटी 2021 दिया हुआ है उसमें क्या क्या कमियां रह गई हैं, क्या क्या चीज़ें और ऐड हुई हैं, किस तरीके से हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। फ्रेंड्स, टीजीटी 2021 में मुझे 91 मार्क्स मिले थे और ओनली 1 मार्क्स से मैं रह गई थी, 1 मार्क्स से। और आप सोच सकते हैं कि इतना कम डिफरेंस से रह जाना कितना पेनफुल होता है, और अगर एक और क्वेश्चन मेरा सही हो जाता तो मेरी भी आज जॉब होती, 2021 में मैं सिलेक्टेड होती। लेकिन खैर छोड़िए, कोई बात नहीं, फेलियर फेलियर होता है, वो एक नंबर से हो, दो नंबर से हो या 20 नंबर से हो, क्योंकि अगर आप रह जाते हैं तो कोई आप पर ट्रस्ट नहीं करता कि आप एक नंबर से रहे हैं या दो से रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। क्योंकि जब आप सफल होते हो तो आपको सब लोग पूछते हैं, हर एक चीज़ आपसे जानते हैं कि आपके सोर्सेज क्या थे, आप किस तरीके से पढ़ाई करते थे, क्या आपने किया, किस तरीके से स्ट्रगल किया, उस टाइम आपके संघर्ष को भी जाना जाता है। लेकिन जब आप फेल हो जाते हो, भले ही आप कुछ पॉइंट से रह जाते हो, 0.25 से रह जाते हो, 0.50 से रह जाते हो, तब आपका संघर्ष मायने नहीं रखता है। क्योंकि फ्रेंड्स, मेहनत तो फेलियर ने भी उतनी ही की थी, वो चीज़ अलग है कि वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया और बॉर्डर लाइन पर जाकर रह गया। क्या छोड़िए इन सब चीज़ों को, इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। ओनली इतना बताना चाहूँगी कि 91 मार्क्स गेन किए थे, क्या क्या कमियाँ रह गई थी, किन किन चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस टीजीटी 2021 का। तो चलिए देखते हैं, किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मायने रखती हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो स्टेप है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है वो है सिलेबस। कोई भी एग्ज़ाम अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो उसका सिलेबस आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद उस सिलेबस को फॉलो करने के लिए आपके पास अच्छी बुक्स होनी चाहिए जो कि उसको पूरा कवर करें और अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन को करवा दें। उसके बाद जब आप सिलेबस जान लेते हैं कि क्या सिलेबस रहता है, बुक्स आपके पास आ जाती हैं, तो आप टाइम टेबल बनाते हो कि किस किस टाइम में क्या क्या चीज़ पढ़ूंगा, कितना टाइम किस चीज़ को दूंगा, तो मेरा सिलेबस कवर हो जाएगा। उसके बाद टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भी हम टारगेट सेट करते हैं कि कितना टारगेट मैं डेली पढ़ूंगा या वीकली पढ़ूंगा या फिर एक दिन में, एक घंटे में किस तरीके से मैनेज करूंगा, ये सब चीज़ें टारगेट में आ जाती हैं आपकी। और नेक्स्ट है, इस टारगेट को फॉलो करने के लिए आपके पास कितना डेडिकेशन है और किस कंसिस्टेंसी के साथ आप स्टडी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये 5 जो पॉइंट्स हैं इनको फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप ये 5 पॉइंट्स फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप ये वीडियो यहीं से छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर डेडिकेशन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं सिलेबस का, कोई फ़ायदा बुक्स का नहीं है, टेबल सेट करने का नहीं है और टारगेट सेट करने का नहीं है, अगर आपके पास डेडिकेशन नहीं है तो। तो ये चीज़ सबसे पहले लाएंगे तो ही कंप्लीट होगी। अगर आप सिलेबस से स्टार्ट करेंगे और डेडिकेशन पर कंप्लीट करेंगे कोई भी चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप बिल्कुल 100% सक्सेस हो जाएंगे, ये गारंटी है कि आप सक्सेस जरूर होंगे फ्रेंड्स। तो चलिए डिटेल में देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए कि क्या क्या सिलेबस है, किस तरीके से। सबको पता है, काफ़ी दिन हो गए फॉर्म फिल किए हुए, सबको सिलेबस रट चुका है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नए होंगे, कुछ फर्स्ट टाइम प्रिपरेशन कर रहे होंगे, बिगनर्स होंगे, तो उनके लिए बता दे रही हूँ, 4 राइटर्स हैं इसमें लिटरेचर से, लिटरेचर का जो सिलेबस है उसमें शेक्सपियर हैं, विलियम शेक्सपियर, जॉन मिल्टन हैं, जॉन गाल्सवर्दी हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ हैं। ये 4 राइटर्स हमें कम्प्लीट
करने होते हैं फ्रेंड्स, इनके सभी इंपॉर्टेंट वर्क्स, इनकी पूरी बायोग्राफी, इनका लाइफ साइकिल, सब कुछ हमें बहुत ही डीपली पढ़ना होता है, क्योंकि ओनली 4 राइटर्स हैं तो डीपली क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स। लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स से बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, और 2021 का ही आप क्वेश्चन पेपर ले लीजिए अगर आपके पास है, या नहीं भी है, अगर आपने दिया नहीं है तो मैं बता दूँ 21 क्वेश्चंस लिटरेरी टर्म्स से यहाँ पर पूछे गए थे, 21 और 22 आई थिंक थे, इतना ही है, 1 और 2, ये 20 से अबव क्वेश्चंस थे। तो आप लोग देख सकते हैं कि लिटरेरी टर्म यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो हमें लिटरेरी टर्म्स को ज़रूर से क्लियर करना है, सभी लिटरेरी टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट है फिगर्स ऑफ स्पीच, एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिगर्स ऑफ स्पीच। फिर है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, 4 से 6 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। और जनरल ग्रामर, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चंस होते हैं वो जनरल ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन और स्पेलिंग मिस्टेक से कवर किए जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो लिटरेचर होता है वो 60-65% पार्ट रहता है, और बाकी जो पार्ट रहता है 40-45 वो आपका रहता है ग्रामर से, वोकैब से, कॉम्प्रिहेंशन, बाकी सब मिलाकर। तो लिटरेचर का यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कई बार होता है कि चीज़ें चेंज हो जाती है, कभी कभार ग्रामर ज़्यादा पूछ ली जाती है, तो हम 50-50 मानकर भी अगर चलें तो 50% ग्रामर और 50% लिटरेचर है, तो हमें दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करनी होंगी। और इन सब के बावजूद हमें एक चीज़ और देखनी है, रिविज़न इज़ मस्ट, रिविज़न बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिविज़न के बिना ये सब चीज़ें पढ़ी हुई सब बेकार हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम शेक्सपियर से स्टार्ट करते हैं और लास्ट यहाँ तक पहुँचते हैं तो हम शेक्सपियर को भूल जाएंगे, है ना। और अगर हम ऐसे करते हैं कि हम सभी चीज़ों को डेली पढ़ेंगे तो सभी चीज़ों को भी हम डेली नहीं पढ़ पाएंगे। तो बेटर यही रहेगा कि आप एक एक करके कंप्लीट कर लीजिए, या तो शेक्सपियर कंप्लीट किया फिर उसका रिविज़न करते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट करते हैं, फिर दूसरा राइटर स्टार्ट करते हैं, या फिर शेक्सपियर स्टार्ट करेंगे, आधा शेक्सपियर पढ़ लेंगे तो आधा मिल्टन स्टार्ट कर लेंगे, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, जैसे भी आप पढ़ सकें उस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग उनको डिवाइड कर सकते हैं, वीकली प्लानर बना सकते हैं, डेली प्लानर बना सकते हैं, और कैसे कैसे टारगेट सेट कर सकते हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए आगे देखते हैं, रिविज़न बहुत ज़रूरी है और प्रैक्टिस मॉक टेस्ट। आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट ज़रूर देने हैं, जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, किस एरिया में आपको प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पर आप वीक हो, ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सको। और 2021 में मेरी सिर्फ यही मिस्टेक रही थी कि मैंने सिलेबस को कवर बहुत अच्छे से किया था, रिवीजन भी काफ़ी किया था, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं किया था। प्रैक्टिस कुछ किया थोड़ा बहुत, तो उसको एनालाइज़ नहीं किया। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स। एनालिसिस का मतलब है कि किस टॉपिक में मुझे कम नंबर मिल रहे हैं, मींस ग्रामर का कोई टॉपिक है, जैसे एक्टिव पैसिव मुझे सही से नहीं आ रहा है तो मुझे उसे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आ रहा है, वो कैब में प्रॉब्लम है या कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर दो चीज़ें बोलना चाहूँगी, वोकैब को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेते लोग, सोचते हैं 2-4 क्वेश्चन आते हैं हो जाएगा, लेकिन ग्रामर में इतना ज़्यादा नहीं रहता है, ग्रामर फिर भी हो जाती है, वोकैब जो है वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है मार्क्स गेन करने में, क्योंकि वोकैब के 2 से 4 क्वेश्चन ही आते हैं और वही हमारा जो मामला है गड़बड़ करके चले जाते हैं, वोकैब के क्वेश्चन ही हमसे गलत हो जाते हैं, और मोस्टली आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखने की है फ्रेंड्स, इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है किन किन बुक्स को हम फॉलो कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये एक्सपीरियंस ओनली मेरा एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस से अपने अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि आप किन चीज़ों से, किन बुक से कवर कर सकते हैं, बाकी आपको जो सही लगे या जो आपके पास हो आप उससे कवर कर सकते हैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इन्हीं बुक्स को पढ़ेंगे तो कवर होगा, आप जिस भी बुक को बहुत ही डेडिकेशन के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ोगे और अगर वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है तो आप बिल्कुल सक्सेसफुल हो सकते हो। तो लिटरेचर के लिए मैं बताऊँगी आप लोगों को एस के अरोड़ा और डॉक्टर रंजीत सिंह, आप
दोनों बुक ले सकते हैं या दोनों में से कोई एक बुक ले सकते हैं और उसको अच्छे से अगर कवर करेंगे, क्योंकि बुक्स जितनी कम रखी जाएँ उतना अच्छा है। अगर आप एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा, 10 बुक को एक एक बार पढ़ेंगे तो हम एक भी बुक के नहीं रह जाएंगे, एक भी बुक का जो मटेरियल है, एक भी बुक का जो कंटेंट है हमें याद नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही हम एक बुक को 10 बार पढ़ेंगे तो हर बार हमें नई चीज़ें लर्न होंगी, उसको हम डीपली लर्न कर सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद लिटरेरी टर्म्स, और इसकी बेस्ट नॉन बुक है M.H. Abrams, जो कि बहुत ही डिटेल में है, आप इसको पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे से यहाँ पर लिटरेरी टर्म को कवर किया गया है। नेक्स्ट है ग्रामर के लिए, लूसेंट जनरल इंग्लिश हमेशा प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो बाइलिंगुअल है, उसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है। बाकी जो भी बुक आपके पास हो या जो आपको अच्छी लगती हो आप उससे ग्रामर कवर कर सकते हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच के लिए रेनन मार्टिन प्रेफर करती हूँ मैं, और वो कैब के लिए SP बख्शी और ब्लैक बुक बहुत अच्छी बुक है, वो कैब सारा उसमें कवर किया गया है। नेक्स्ट है टाइम टेबल, ये हाउसवाइफ्स के लिए हैं और इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे भी आपको टाइम मिले, जितना भी आपको टाइम मिले। लेकिन बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, 6 आवर्स का टाइम आपको देना होगा, 6 आवर्स का टाइम आपको इसमें देना पड़ेगा, जिसमें कि हम इस तरीके से बांट सकते हैं, 2 आवर्स इन मॉर्निंग, 2 आवर्स इन आफ्टरनून एंड 2 आवर्स इन नाइट और इवनिंग। जैसे भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको टाइम मिले, आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। पहले मैं इसी टाइम टेबल को फॉलो कर रही थी, लेकिन अभी बेबी होने के बाद मैं इसको फॉलो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि वापस मैं इसी टाइम टेबल पर आ जाऊँ, क्योंकि मैं DSSB की प्रिपरेशन करती हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम की ज़रूरत होती है, और UPTGT की भी प्रिपरेशन साथ ही साथ चल रही है। अभी एग्ज़ाम तो नहीं पता कब होगा, लेकिन फिर भी देखते हैं कैसे कैसे सब मैनेज होगा, लेकिन आप सबके लिए एक आइडियल टाइम टेबल मैं बता रही हूँ, आप इस तरीके से अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। जैसे मॉर्निंग में है, मॉर्निंग में आप अपने बेबी के उठने से पहले या सभी के उठने से पहले आप 1 आवर और 2 आवर वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। फिर आफ्टरनून में सारा काम फिनिश होने के बाद एक थोड़ी सी 1 घंटे की आप रेस्ट लेने के बाद पढ़ सकते हैं, और उसके बाद नाइट में आप सारा काम फिनिश करने के बाद डिनर के बाद आप पढ़ सकते हैं, या फिर डिनर से पहले इवनिंग में आप पढ़ सकते हैं। तो 6 घंटे अगर आप चाहें तो निकाल सकते हैं, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। हो सकता है ये 5 घंटे भी हो जाएं, और हो सकता है ये 7 भी हो जाएं, तो डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन के ऊपर कि आप वर्किंग हैं, नॉन वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं या फिर क्या है। तो नेक्स्ट है टारगेट, जो गोल हैं, टारगेट हैं कैसे सेट किए जाएंगे उसका देखते हैं। ये है वीकली और डेली अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी। तो टारगेट आप 2 तरीके से सेट कर सकते हैं फ्रेंड्स, आप वीकली टारगेट बना सकते हो और डेली टारगेट बना सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी, कितना आप पढ़ सकते हो और किस तरीके से आप मैनेज कर सकते हो ये आप ही को पता होता है। वीकली आप इस तरीके से बना सकते हैं, जैसे आप एक राइटर को 1 वीक में पढ़ लेंगे, जैसे एक राइटर आपको शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर चलाना है तो विलियम शेक्सपियर की बायोग्राफी से स्टार्ट कर सकते हैं और बाकी चीज़ें उसके साथ साथ चला सकते हैं। जैसे अब आपने 1st वीक का टारगेट रखा है विलियम शेक्सपियर, उसी के साथ आप थोड़ा थोड़ा वोकैब स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा ग्रामर स्टार्ट कीजिए, और एक एक टॉपिक जो छोटे टॉपिक हैं उनको साथ में ले लीजिए, और जो बड़े टॉपिक हैं उनको बाद में कर लीजिए, ताकि छोटे टॉपिक से आप स्टार्ट करेंगे तो आपको ईजी भी लगेगा और आपका जो मोटिवेशन लेवल है वो हाई रहेगा। क्योंकि बड़े टॉपिक अगर आप शुरू में ही ले लेंगे और आपसे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे तो आपकी जो मोरल होता है वह डाउन हो जाता है और आप मोटिवेट नहीं रह पाते और आप उसको छोड़ देते हो। तो ज़्यादा रिजिड जो है टारगेट नहीं बनाना चाहिए, ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल और ज़्यादा स्ट्रिक्ट टारगेट बनाने से क्या होता है, माइंड पहले ही फेल कर देता है, माइंड पहले ही सिग्नल दे देता है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा। और टारगेट अगर अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाया जाए, अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाया जाए, तो उससे क्या होता है, माइंड को एक मैसेज मिलता है कि यस ये तो मैं कर सकता हूँ, बहुत आसान है। स्टार्टिंग में आप आसान बना सकते हैं टारगेट, फिर उनके कंप्लीट होने के बाद अपने आप को रिवार्ड दीजिए, आप अपने आप को शाबाशी दीजिए, खुद से ही दीजिए, कोई और नहीं देगा, कोई और आपको मोटिवेट करने नहीं आएगा। तो बेस्ट है कि आप अपने मोटिवेटर खुद बनिए, इंटरनल मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन, क्योंकि बाहर से मोटिवेशन हम केवल 2-3 मिनट के लिए, 2 घंटे के लिए या फिर 10-20 मिनट के लिए ले सकते हैं, लेकिन इंटरनल जब मोटिवेशन आती है तो वो काफ़ी समय तक रहती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, और ये आप सभी जानते होंगे। नेक्स्ट है डेडिकेशन। अब सभी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली, सिलेबस भी डाउनलोड कर लिया या PDF में जिसमें भी आपके पास है आपने नोट डाउन कर लिया, बुक्स आपने मंगवा ली या आपके पास हैं, टाइम टेबल सेट कर लिया, टारगेट भी बना लिया। अब बात आती है इन सब चीजों को फॉलो करने की विद फुल डेडिकेशन, 100
100% डेडिकेशन इज़ नीडिड, आपको चाहिए 100% और मैं बोलूँगी 200% डेडिकेशन इज़ नीडिड, क्योंकि डेडिकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इन सब चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी अगर हमारे पास डेडिकेशन नहीं है तो हम किसी भी गोल को रीच आउट नहीं कर सकते, कुछ भी गेन नहीं कर सकते। और कंसिस्टेंसी के साथ लगातार जो मेहनत, जो हार्डवर्क चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, अगर उसके साथ आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली जब भी TGT का एग्ज़ाम होगा आप उसमें टॉप पर होंगे। ये आप लिखवा लीजिए मुझसे, बेस्ट ऑफ लक आपको एग्ज़ाम के लिए। एग्ज़ाम जब भी होगा आप उसको बहुत अच्छे से क्रैक कर लेंगे अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं तो। और मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी स्ट्रेटेजी बेस्ट है, मेरा टाइम टेबल बेस्ट है, मैं टारगेट अच्छे सेट करती हूँ या कुछ भी, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों को अच्छा लगे तो आप फॉलो कर सकते हैं और आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये जो मेरा टाइम टेबल है, मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो कैसी लगी, क्योंकि आप अगर कमेंट करते हैं, आप बोलते बताते हैं कि कैसा लगा तो हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आगे भी और लोगों की हेल्प कर सकें, अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें, अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकें। क्योंकि अगर हमें मोटिवेशन नहीं मिलती है, वीडियो पर कमेंट्स नहीं आते, बताते नहीं हैं आप लोग कि कैसी लगी, क्या आपको फ़ायदा मिला या नहीं मिला, क्योंकि अगर फ़ायदा नहीं मिलता है तो क्या ही फ़ायदा फिर चीज़ों का इतना टाइम लगा कर वीडियो बनाना बाकी सब। क्योंकि स्टडी का टाइम मुझे भी कम ही मिल पाता है, लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि कुछ लोगों को हेल्प हो जाए, जो बिगनर्स हैं जिनको अभी स्टार्टिंग है, उनको पता नहीं है कि बुक्स कौन सी प्रेफर करें या फिर किस तरीके से हम टाइम को मैनेज करें। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स, शेयर कर रही थी बेस्ट स्ट्रेटजी, मेरे अकॉर्डिंग ये बेस्ट स्ट्रेटजी है और आपके अकॉर्डिंग ये कैसी स्ट्रेटजी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ज़रूरी नहीं है कि ये अगर आपको अच्छी लगे तभी आप बताएंगे, अगर इसमें आपको कुछ कमियां लगे, कुछ भी सजेशन आप देना चाहते हो, कुछ भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो या बुक्स में, टाइम टेबल में कुछ भी चेंजेस जो कि और के लिए, और लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें ताकि दूसरे लोगों को भी उससे हेल्प मिले। क्योंकि एक की जो सलाह होती है और दो की जो सलाह होती है वो थोड़ी अलग होती है, दो माइंड बहुत सी चीज़ों को दो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, जिससे कि बहुत फ़ायदा हो सकता है कुछ लोगों को जो ये वीडियो देखेंगे, कमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।